मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। आपको सॉल्युबिलिटी देखनी है सॉलिड की वाटर में। अब ये क्या होती है सॉल्युबिलिटी, जो सॉलिड की वाटर में टेम्परेचर से राइज की जा सकती है, टेम्परेचर से बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीज की जा सकती है। इससे पहले अपन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जैसे कि शुगर या साल्ट जो कि सॉलिड है, सॉल्यूट डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स वाटर, ठीक है। सॉलिड को अपन ने किस में करा, मिक्स वाटर में, यही अपन रीड कर रहे हैं। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसको अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए सॉल्यूट अपन ने सॉलिड ले लिया शुगर या साल्ट में से, और सॉल्वेंट अपन ने वाटर में ले लिया, तो शुगर की क्वांटिटी वाटर में मैक्सिमम ऐड कर दी जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल से समझे, वन ग्लास ऑफ वाटर मिक्स्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट शुगर और साल्ट, शुगर और साल्ट अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम। कि एक नॉर्मल ग्लास होता है, टम्बलर होता है कांच का ग्लास, जिसमें पानी फिल करा आपने सॉल्वेंट, और उसमें मैक्सिमम सॉल्यूट जो शुगर या साल्ट आप 5 ग्राम के करीब ऐड कर सकते हैं। दिस स्टेज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसी स्टेज को अपन क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड डिजोल्व 6 ग्राम और मोर क्वांटिटी इन वन ग्लास वाटर गिवन टेम्परेचर कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यदि इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप उसमें ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो आप देखते हैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी डिजोल्व नहीं होती, वो सिचुएशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और एक्स्ट्रा क्वांटिटी को यदि मिक्स करना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर देते हैं, तो वो क्वांटिटी भी उसमें क्या हो जाती, ऐड हो जाती, तो वो कंडीशन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर ये अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर राइज करके। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विद सॉल्यूट नो मोर अमाउंट डिजोल्व और मिक्स्ड इन सॉल्यूशन लिविंग द अनडिजरेबल सब्सटेंस एट द बॉटम कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे भी इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, इट्स कैपेसिटी जनरली इंक्रीज बाय द राइज इन टेम्परेचर। और ये कैपेसिटी है डिजोल्व होने की कैपेसिटी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में, इसको इंक्रीज कर सकते हैं अपन यदि सॉल्वेंट का अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो सॉल्यूट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी उसमें क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और उस फेज को अपन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस कंडीशन में अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर रीड कर रहे थे, तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी वाटर में अपन टेम्परेचर राइज करके क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं अपन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, गैसेज की सॉल्युबिलिटी वाटर में, लिक्विड में। ये वो इस पर भी टेम्परेचर मेजर वर्क करता है, टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये रिमाइंड होना चाहिए कि जो गैसेज हैं, गैसेज की वाटर में सॉल्युबिलिटी आपने देखा होगा, जैसे एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो एयर वाली ऑक्सीजन को क्या नहीं कर सकते हैं, कंज्यूम नहीं कर सकते, वो वाटर में मिक्स्ड गैस जो है ऑक्सीजन, वो लिक्विड में मिक्स को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक्वेटिक ऑक्सीजन को ही कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए स्पेशली अडेप्टेड रहते हैं। अब बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, जो सॉल्युबिलिटी है गैसेज की वो वाटर में क्या होती है, डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो गैसेज की सॉल्युबिलिटी वाटर में मिनिमम हो जाती है, और जब टेम्परेचर मिनिमम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी वाटर में गैसेज की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको रीड करें अपन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर, गैसेज डिजोल्व इन वाटर टू ए स्मॉल लिमिट बट देयर सॉल्युबिलिटी गेट अफेक्टेड बाई चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो नॉर्मली क्या होती है, गैसेज वाटर में डिजोल्व होती रहती है स्मॉल लिमिट में, लेकिन कुछ टेम्परेचर की प्रेजेंस में इनकी जो डिजोल्व होने की कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है।
फर्स्ट देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। जो गैसेज की सॉल्युबिलिटी है वाटर में डिक्रीज कब हो जाती, कम हो जाती, रिड्यूस जब अपन टेम्परेचर राइज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो गर्मियों में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो आप देखते हैं काफ़ी जगह फ्रेश वाटर बॉडीज होती है तो वहाँ पे काफ़ी सारी फिशेज वगैरह की डेथ हो जाती है। एक्वेरियम वगैरह भी होते हैं वहाँ पे फिशेज वगैरह को रखा जाता है, तो समर्स में उनका खास ध्यान रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर उसमें वाटर में मिक्स्ड होती रहे, क्योंकि टेम्परेचर मैक्सिमम होने की वजह से गैस की डिजॉल्व होने की कैपेसिटी लिक्विड में मिनिमम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर यदि डिक्रीज कर दिया जाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। विंटर्स में अच्छे से प्रॉपर क्या होती है, गैसेज लिक्विड में इजीली मिक्स्ड हो जाती है, जबकि समर टाइम पे टेम्परेचर राइज होने की वजह से ये कैपेसिटी क्या रहती है, डिक्रीज रहती है। तो इस वजह से काफ़ी सारी एक्वेटिक एनिमल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसके लिए BOD जो होती है, बायो ऑक्सीजन डिमांड होती है, जो कि आप सीनियर क्लास में स्टडी करेंगे BOD को, उसको इंक्रीज करने के लिए लेक्स पॉन्ड्स में क्या होता है, वाटर फाउंटेन लगाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम गैस उसमें मिक्स हो। ऐसा आप काफ़ी जगह लेक्स वगैरह पे देखे होंगे, जो कि BOD के लिए किया जाता है। BOD जो टॉपिक है आप सीनियर क्लास में आके स्टडी करेंगे। ये चैप्टर अपना कंप्लीट, नेक्स्ट इसके वीडियो क्लास में अपन इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन से स्टडी करेंगे, MCQs वेरी शॉर्ट। तो ये आपको अपने साइंस रिकॉर्ड में नोट कर लेना है। थैंक यू।